नमस्कार मित्रों, स्वागत छे आप सौनु फरी एक वार आ विचार शक्तिना सफरमा। आज हूँ तमारी साथे विचारोथी तथा अद्भुत चमत्कारनी वात करूँ छू। जे जग्याए तमे रहता हो ते जग्याए थी ज दुखथी घेरायेला तमारा मित्र ने दिलसोजीनो संदेशो मोकलीने मदद करी शको। जे सत्यनो तमे साक्षात्कार कर्यो होय तेनो स्पष्ट के चोक्कस संदेशो प्रेरीने सत्यना जिज्ञासुया तमारा मित्र ने संगीन मदद पण आपी शको। अंतरिक्ष में तमे एवा मनोमय संदेशो प्रेरी शको के जे जे तेनी तेने जीले अने तेमना हृदय में प्रेरणा जीलीने उत्पन्न ने शुद्ध बनी जाए। तो तमारो संदेशो प्रेमाळ अने बीजाने मददगार होय तो तमारा मगजमांथी बहार निकळी तमारे धारेला स्थळे ते जई शके। तेज प्रकारनो प्रेम नो प्रतिध्वनि सामाना मनमां उत्पन्न करशे अने बमणा व्यक्ति पाछो तमारा तरफ वळशे। आथी उल्टू जो तमे बीजानी प्रत्ये द्वेषनो संदेशो मोकलशो तो ते मनुष्यने दुःख आपशे। एटलू ज नहीं पण त्यांथी बमणा व्यक्ति पाछो फरी तमने वधारे दुःख आपशे। माटे ज विचारना कानूनो समझी लई मात्र दया प्रेम ने मायळुता ज विचारो तमारा मनमांथी बहार जवा दो अने कायमनुं सुख मेळवो। જ્યારે બીજાને મદદ કરવા માટે કોઈ પણ ઉપયોગી સારો વિચાર મનમાં પ્રેરો ત્યારે ધ્યાન રાખો કે તે વિચાર સ્પષ્ટ, સુરેખ અને અમુક નિશ્ચિત હેતુવાળો હોવો જોઈએ। જો તે ધારેલું પરિણામ લાવવા શક્તિમાન થશે ને તો જ તમે તેના દ્વારા નિશ્ચિત કાર્ય સિદ્ધ કરી શકશો। આમ જો તમે યોગ્ય અને સારા વિચારો અન્ય લોકો માટે કરશો તો તે લોકો સુધી પહોંચશે અને ફરી प्रतिसाद रूपे तमने पाछा मळशे अने तमने पण आनंदनी अनुभूति करावशे। विचार शक्ति में आटलू बळ छे तो चालो आजथी निर्णय करिए कि आपणे कोईने प्रति द्वेष भावना राखीए अने सारा विचारो तेमना माटे करिए। आज एक विचार साथे आपनो सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया पोतानी वाणीने विराम आपे छे। फरी एक वार नवा विचार साथे आगला एपिसोडमां मळीशुं। त्यां सुधी सौनो शुभ थाव, सौनो मंगळ थाव।